नमस्कार, आइए राव साहब आइए। कैसी हो बेटा? अब ये हमारी बेटी है, ये हमारा सौभाग्य है। तो देरी किस बात की, मुहूर्त निकलवाते हैं? परिवार के सभी लोग आना चाहेंगे, इन दोनों की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए। राव साहब, एक बात की चिंता है। अब कैसी चिंता, गुण मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। राव साहब, वो सब तो ठीक है, पंडित जी की नातिन अभी बहुत छोटी है, उसे ऐसी बीमारी है जिससे उसके शरीर में खून ही नहीं बनता। वो क्या है, थैलासेमिया? हाँ, मैंने सुना है। डॉक्टर कहते हैं कि माँ बाप ने अगर उसके जन्म से पहले ही खून की जांच करवाई होती तो होने वाले बच्चे इस बीमारी से बच सकते थे। अगर इन दोनों की खून की जांच, तो क्या आपको मेरा बेटा बीमार लगता है? नहीं राव साहब, ये दोनों तो एकदम ठीक हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। बाबा, सिर्फ खून की तो जांच है, अगर दोनों की जांच हो रही है तो फर्जी क्या है? जी ठीक है, तुम लोग को जो ठीक लगे करो। माधव के खून में थैलेसेमिया का लक्षण है। लेकिन डॉक्टर, सिर्फ लक्षण ही बीमारी नहीं, क्योंकि अपर्णा के खून में यह लक्षण नहीं है, इसलिए आप दोनों के होने वाले बच्चे को थैलेसेमिया नहीं होगा। अगर दोनों के खून में होता तो क्या बच्चे को यह बीमारी हो सकती थी? हो सकती थी, इसीलिए होने वाले माँ बाप को अपने खून की जांच करवानी चाहिए। पंडित जी, जी विवाह के लिए मुहूर्त निकालिए। अवश्य, अब तो इनके खून की जांच भी हो चुकी है। बहुत अच्छे, विवाह से पहले वर वधु के खून की जांच आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी थैलेसीमिया से बच सकती है।